मेरा जो मुहिम है वो ये बताना है कि हम हिंदुस्तान में ज़्यादातर हमारा देश अब प्रगति बहुत कर रहा है लेकिन हमारी सोच नहीं बनती है। बहुत सी चीज़ें हम जानते नहीं हैं। जो भी हमें पारंपरिक तरीके से ज्ञान दे दिया गया है उसी को लेकर हम चलते रहते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि हमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हमें मालूम हो जाए ज़िंदगी में तो हमें कितना परिवर्तन आ जाएगा। अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान की ओर आप लोगों को जागरूक करना यही मैंने अपना एक मुहिम बनाया हुआ है। अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान की ओर बहुत छोटी सी बात मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा। आपके सिर में अगर दर्द होता है और आपको नहीं मालूम है कि यह दर्द क्यों हो रहा है तो यह अज्ञान है। या आपके घर में पंखा नहीं चल रहा है और अगर आपको नहीं मालूम है कि ये दोनों प्लग के अंदर दो तार लगा करके इसको ठीक किया जा सकता है तो यह अज्ञान है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके सिर में क्यों दर्द हो रहा है उसकी वजह क्या है तो वो ज्ञान है। इसी तरह से अगर मालूम हो जाए कि पंखे के दो तारों को जोड़ने से पॉजिटिव निगेटिव पंखा चल जाएगा तो वो ज्ञान है। मगर सर दर्द किस चीज़ से ठीक होगा, किस दवा को खाने से, कहाँ पे वो दवा असर कर रही है या पंखे की फिजिक्स आपको आगे पता चल जाए तो वो विज्ञान है। तो हमारी बहुत बड़ी जनता हमारे देश में वो विज्ञान से तो बहुत दूर है ही है। उसको नहीं पता कि हम ये दवा खा रहे हैं कहाँ जा रही है, हमारे शरीर में क्या कर रही है। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें ज्ञान भी नहीं है। और ज्ञान न होने से मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं और किस तरह से हमारी लाइफ या धीरे धीरे वो असर हमारे पूरे देश पर पड़ता है। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत साधारण उदाहरण है। हमारे पूर्वज, हमारी माँ, दादी, नानी, उनको अपने क्षेत्र के तो बहुत ज्ञान थे लेकिन आज के समय में मान लीजिए छोटी सी कानूनी स्थिति बताता हूँ कि मेरी माँ या मेरी दादी घर में उनका पंखा नहीं चल रहा। वही बात है जो मैंने अभी बताई कि उनको मालूम नहीं है कि ये दो तार में से एक तार निकल रही है। एक उदाहरण है, इस तरीके की सैकड़ों बातें घर में होती है। परेशान है गर्मी से, उन्होंने आपको फ़ोन किया, आप अपने काम में मशगूल हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई इम्तिहान देने जा रहा है, कोई बहुत खास काम कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे कि भाई मेरी माँ को गर्मी लग रही है। आप सोचिए कि ये कुछ छोटा उदाहरण है, बड़ी बड़ी चीज़ें भी इस तरीके की होती रहती हैं। आपका काम ऐसे मन हट जाता है, आप छुट्टी लेते हैं, मांगते हैं, किसी को फोन करते हैं कि जाओ भाई ठीक करो, आप अपने काम से हटे। हो सकता है बहुत ज़रूरी काम, वो काम एफेक्टेड होगा या तो आप उस काम को छोड़ कर डाले। तो ये अज्ञान और ज्ञान होने का फर्क है। अगर उनको पता होता कि उसको काम होने में पंखा चल जाएगा तो शायद इस तरीके की स्थिति नहीं है। और वो जो आपने काम में आप इंटरव्यू में आप डिस्टर्ब हो गए, अपने काम में डिस्टर्ब हो गए, उससे आगे असर पड़ा, उससे और आगे असर पड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ दी। ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।